हाय गाइस, डीआईवाई बाय मौसमी चैनल में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी कोहड़ाचे बोंडा है। मराठी में कोहड़ाचे बोंडा बोलते हैं और हिंदी में उसको कुमड़ा बोलते हैं और इंग्लिश में उसको पम्पकिन बोलते हैं। तो यह हम मीठे बोंडा बना रहे हैं उसके कुमड़े के। तो गाइस, मैंने ये साहित्य ले लिया है। ये है हमारा कुमड़ा है, तो इसका शायद आधा किलो होगा, ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ये मैंने छील लिया है और इसके जो बीज है वो भी निकाल दिए है। यहाँ पे जो थोड़ा सा फाइबर रहता है वो भी निकाल दिया है ऊपर का, और बीज तो मैंने ऐसे इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और आप चाहे तो इसको ग्रेट भी कर सकते हो, लेकिन मैंने पीसेस में काट लिया है। और हमने आटा लिया है गेहूं का सिंपल, और शक्कर ली है। तो शक्कर हमें जितना मीठा चाहिए उतना, और ये जो है ये कोकोनट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, और जब हम ये खाते हैं कुमड़ा के बोंडा खाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब ये आते हैं तो बीच बीच में दांत में हमारे आते हैं तो अच्छा लगता है। और उसके लिए फिर थोड़ी सी ये सौंफ भी ली है, और फिर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे मीठे को एनहांस करने के लिए, तो वो बाद में डालेंगे। तो गाइज, तो इसको है ना पहले हम धो लेंगे अच्छे से, और धोने के बाद उसमें पानी नहीं डालेंगे। जो धोते हैं हम तो उसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता, पानी रहता है, उसी पानी में हम वो भाप में ही इसको पकाएंगे। तो उसके लिए हम जार तले का एक बर्तन लेंगे। हम यह बर्तन लिया है और बर्तन में ये डाल देंगे और धो लेंगे और पूरा पानी निकाल लेंगे इसका। कैसे हमने धो लिया है अच्छे से, और आप देख सकते हो यहाँ पे पानी नहीं है कुछ भी, यानी बिल्कुल कम पानी है, थोड़ा ही एकदम धोके जो पानी इसका निकलता है थोड़ा। देखो यहाँ पे दो चार चम्मच ही जमा हो गया है। तो ये बस इतना ही पानी है, दो चार चम्मच। तो हम फिर इसी पानी में धोके, हमने इसको पूरा पानी निकाल नहीं लिया है, तो इसी पानी में हम भाप में पकाएंगे इसको, और कम गैस रखेंगे, एकदम कम रखेंगे, ताकि ये जल नहीं जाए एकदम, और बीच बीच में देखते भी रहेंगे कि ये जलने को नहीं होना करके। ये हमने गैस पे, कम गैस पे रख दिया है, और इसको हम ढक देंगे अभी 15 मिनट के लिए ढक देंगे। गाइस, ये हमने अभी भाप में उबाल लिया है, तो देखिए अभी इसमें कुछ भी पानी नहीं है, ये थोड़ा बबल दिख रहे हैं। हम इसको अभी गैस को बंद कर देंगे। गाइस, हम अभी इसमें शक्कर डालेंगे, ये गर्म है तो शक्कर डालेंगे तो हमारी शक्कर मेल्ट हो जाएंगी। तो अभी हम इसमें शक्कर डालेंगे। शक्कर आप अपने हिसाब से लीजिए, क्योंकि सबको मीठा कम ज़्यादा लगता है। तो जैसे मैंने आटा भी है हमारा, जैसे हम कुमड़ा, ये जो है कुमड़ा पम्पकिन, ये देखकर लेंगे आटा, इसमें कितना आटा लगेगा, और फिर हम अभी शक्कर इसमें मेल्ट होने के बाद आटा मिलाएंगे। और हमने फिर ये लिए थे खोबरे के टुकड़े कोकोनट के, तो ये तीन चार चम्मच है, और चुटकी दो चुटकी नमक है सिर्फ मीठे को एनहांस करने के लिए। और फिर हमने इलायची पाउडर भी लिया है, और एक चम्मच सौंफ लिया है। तो ये हम इसको ठंडा होने के बाद डालेंगे। ये ठंडा हो गया गाइस, अभी हम इसमें ये डाल देते हैं। और फिर आटा डालेंगे। आटा हम देखेंगे हमें कितना आटा लग रहा है, क्योंकि किसी किसी को बहुत आटा पसंद नहीं रहता और किसी को आटा पसंद रहता है, लेकिन हम ज़्यादा आटा डालते हैं तो वो कड़क हो, चीवी सी हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते उतने। तो किस और कड़क चाहिए हो थोड़ा सा, तो आप सूजी भी मिला सकते हो। तो गाइस, जैसे मुझे ज़्यादा आटा पसंद नहीं है तो मैं कम डालूँगी, फिर आप अपने हिसाब से भी आटा डाल सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। गाइस, ये हमने पूरा मिक्स कर लिया है आटा, मैंने आधा कटोरी आटा लगाया था इसमें, और जो हमारा कुमड़ा था तो वो भी एक डेढ़ कटोरी होगा, और फिर हमने शक्कर भी डाली थी आधा कटोरी। तो इसका जैसे आटा भी आपके हिसाब से है और शक्कर भी आपके हिसाब से है। तो अभी हम इसको तलेंगे।
तो हमारी कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो किसी किसी को ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी बनाते हैं, कोई कोई थोड़ा सा और भी गाढ़ा बनाते हैं, तो वो थोड़ा सा चीवी से लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखना पसंद करती हूँ। क्योंकि इसको गुलगुले भी बोलते हैं कोई, तो वो गुलगुले टाइप ही बाद में लगते हैं। और थोड़ा और किसी को सॉफ्ट पसंद रहता है, तो ये सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के लिए, ये कंसिस्टेंसी अच्छी है सॉफ्ट गुलगुले के लिए। तो गाइज अभी हम इसको तलेंगे। गाइज हमने तेल ले लिया है कढ़ाई में और तेल भी गर्म हो गया है हमारा, तो अच्छा खासा गर्म चाहिए हमें तेल, नहीं तो ठंडा तेल रहता है तो वो बहुत ज़्यादा हमारे गुलगुले शक करता है तेल, तो बहुत ज़्यादा तेल वाले लगते हैं, तो इसीलिए हमें तेल गर्म चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा पहले डाल के देखेंगे गुलगुला कि, तो ये तैर के ऊपर आता है कुछ देर के बाद, क्योंकि ये मीठा रहने की वजह से ये थोड़ा सा नीचे चिपक भी जाता है। तो गैस हमारा तेल गर्म हो गया है, हम गुलगुले डालेंगे अभी। साइज आप अपने हिसाब से डालिए। और तेल बहुत ज़्यादा गर्म है और पहले ही डाल रहे हैं हम, तो ये ब्राउन हो गए हैं, तो ये ब्राउन हो गए तो अंदर से पकेंगे नहीं, इसलिए हमने तेल कम किया है आँच को। और इसको आप कम तेल में भी पका सकते हो, यानी थोड़ी थोड़ी बैच निकाल के, इससे हमारा तेल जो ज़्यादा फिर बाद में बचता भी नहीं है, और हमें कभी भी रिपीट वाला तेल नहीं खाना चाहिए, जैसे हमने एक बार तल के निकाले तो दूसरी बार उसमें कुछ तलने से कुछ कुछ चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती है, इसीलिए। गैस जैसे हमारा तेल गर्म हो गया था तो ये कुछ पक गए, ये ऐसे हो गए, लेकिन ये अंदर से पकने के हैं, तो हम अभी इसको कम गैस पे पकाएंगे ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाए। हमारे गुलगुले हो गए गए, अभी हम इसको निकाल लेंगे। तो जब हम इसको निकालते हैं तो थोड़ा सा ऐसे दबा कर निकालेंगे ताकि जो तेल है एक्सेस तो वो निकल जाए। गाइस अभी हम दूसरी बैच डालेंगे उसमें। गाइज आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी, बोंड कोहड़ाचे बोंड, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।